Bird SB Hoshmans! ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे फिर जो भी जो सप्लायर्स हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होना एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर लगाता है। जो अपने जिले में ड्रग्स का प्रभाव पड़ रहा है, कई लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पब्लिक ने इकट्ठे होकर आज लगभग 300-400 लोग थे जिन्होंने ज्ञापन दिया है हमें। अनूपगढ़ से बड़ी खबर, जहां जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और किसान संगठनों के साथ युवाओं ने भी हिस्सा लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए चिट्टे और मेडिकेटेड नशे के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना था। सुबह 11 बजे से ही जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जुटने लगे। देखते ही देखते भीड़ ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कलेक्ट्रेट के बाहर लगे बैरिकेड्स को हटाते हुए कार्यालय की ओर कूच किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद DYSP अमरजीत चावला और कामरेड नेता शुभ ने समझाइश देते हुए स्थिति को संभाला। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उच्च अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा होगी। तो यह थी अनूपगढ़ से आज की बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस प्रकार इन मांगों पर अमल करता है। जो कमरेड ने आपको ज्ञापन सौंपा है, इस पर मैं जानकारी दी। ये ड्रग्स के अगेंस्ट में, जो अपने जिले में ड्रग्स का प्रभाव पड़ रहा है, कई लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पब्लिक ने इकट्ठे होकर आज लगभग 300-400 लोग थे जिन्होंने ज्ञापन दिया है हमें। इसमें मुख्यतः यही किया गया है कि ड्रग्स के अगेंस्ट सरकार भी एक्शन ले और अवेयरनेस बढ़े, ताकि लोग ड्रग्स का यूज नहीं करें। सर, आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, किस विषय पे दिया, पूरी जानकारी दी। आज अनूपगढ़ में सर्व समाज ने जो मेडिकल नशा व चिट्टे का कारोबार जो हमारे क्षेत्र में बड़ा है, आज सीमावर्ती क्षेत्र की हर गली हर मोहल्ले के अंदर चिट्टा जिस प्रकार उपलब्ध हो रहा है, निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन की, नेताओं की, पुलिस की मिली भगत। हम सारे लोग आज कलेक्टर के कार्यालय पे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात बोलने के लिए आए थे कि हमारी नौजवानी को एक योजनाबद्ध तरीके से वाकायदा स्कीमें चला के जो हमारे 15-20 साल के नौजवान हैं, उनको इस नशे की लत के अंदर धकेला जा रहा है। अनूपगढ़ जिले में हमने देखा है, अनूपगढ़, गंगानगर, हमारा हनुमानगढ़ क्षेत्र जो एक सिंचित क्षेत्र है, जहाँ कृषि प्रधान जिला है, जहाँ पर पंजाब हरियाणा की मिली हुई संस्कृति है, उस जिले के लोगों को साजिशन नशेड़ी बनाया जा रहा है। और रोजाना अखबार की सुर्खी है कि 20-25 साल का नौजवान चिट्टे की अवर डोज से अपनी जान दे रहा है। लेकिन अफसोसजनक है कि यहाँ के प्रशासन ने इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखाई है। हम सारे लोगों ने फैसला किया है कि आज हमने विरोध प्रदर्शन जो किया है, इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे और इस नासूर का जब तक जड़ से अंत नहीं कर दें, तब तक हम पीछे नहीं रहेंगे। जिस तरह से जनता आक्रोशित थी, आपको क्या लगता है कि अनूपगढ़ का प्रशासन भी इन नशा व्यापारियों के साथ मिला हुआ है? नहीं, ये अफसोसजनक है और हमारे सारे वक्ताओं ने इस चीज को यहाँ पर उजागर किया है कि आज तक जो कार्रवाई हो रही है, वो सिर्फ जो नशे की लत के अंदर जो जकड़े हुए नौजवान है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उनको थाने में ले जाकर 151 के अंदर पाबंद किए जा रहे हैं। असल के अंदर उसकी जो चेन है, असली जो सप्लायर्स हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होना एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर लगाता है कि ये एक गठजोड़ है, ये एक सिंडिकेट है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होकर इसका पर्दाफाश होना। इसके बाद भी प्रशासन अगर आपकी बात नहीं समझता है, नहीं कार्रवाई करता, तो उसके बाद आपका क्या कारण है? सड़क पर ईंट सेंट भेजा,
चैन से नहीं बैठने देंगे अनूपगढ़ के कलेक्टर और एसपी को। दफ्तरों के अंदर हम सड़कों के ऊपर नौजवानों से आह्वान करेंगे कि उतरो, अपने भविष्य को, अपनी जवानी को, अपने परिवार को बचा के ही हम अब देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।